तो फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो यार, अभी ना बहुत ठंडी है इधर, 7 बजे भी इतना ठंडी लग रहा है ना, तो इसलिए हमको बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा, तो हम यहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पर उठना तो पड़ेगा ना, तो फिर चलो उठते हैं, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। तो हम बताए थे कि मेरा अभी कुछ चैप्टर्स बचा हुआ है और उसका रिविजन करना है, तो उसी हिसाब से ना हम 10 दिन का ऐसे टारगेट्स बना लिए हैं। तो आज के हिसाब से हमको चैप्टर 2 और 4 अकाउंट्स का करना था, पर ना मेरा जो फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर्स था वो बचा हुआ था कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम ये सब टारगेट स्टार्ट करेंगे आज का। हाँ, तुम जैसा कि बताए कि फिलहाल तो अभी हम फाइनल अकाउंट से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी हम वही कर रहे थे और मेरा उसके बाद चैप्टर 2 और 4 करेंगे। वैसे देखा जाए ना, ये सब चैप्टर्स हम पढ़ लिए हैं, पर ना थोड़ा सा रिवीजन करना इम्पोर्टेंट होता है ना, और एग्जाम भी तो अब बहुत पास है, तो वही रिविजन ही कर रहे थे फिलहाल हम भी। पता है फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर क्या है ना, इतना बार इसको पढ़ चुके हम, सच बता रहे हैं, इसको 4-5 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी यार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं हम। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसमें ये आता है कि बैलेंस शीट मैच करना, मतलब कहीं भी थोड़ा सा भी अगर गलती हो गई तो यार बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। और यहाँ पे तो हम आंसर्स देख सकते हैं ना कि कहाँ गलती की है, पर कभी कभी लगता है कि एग्जाम में अगर ऐसे मैच नहीं किया बैलेंस शीट ना, तो फिर कितना दिमाग खराब हो जाएगा यार, मतलब वापस से देखो कहाँ गलती है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो फिर मैं राइटिंग या फिर ये सब खिचड़ी पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि हम ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। पर हाँ, एक चीज देखो यार, मेरा बैलेंस शीट मैच हो चुका है, बहुत मस्त यार, मैच होने की खुशी ही अलग होता है, वाह मजा आ गया। हाँ, तो फिर अकाउंट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 3-4 पढ़ने। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, बस जो डाउट है उसको ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर हम बोले कि अभी हम बस डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आखिर क्या डाउट्स? तो देखो ये सारा क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम जब हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो ये सब क्वेश्चंस में डाउट आया था हमको, तो सोचे थे कि इसको वापस से पढ़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे लिख लिए थे, तो हम बस वही पढ़ने वाले हैं अभी। अच्छा, मेरे एरिया में इतना ठंडी है ना यार कि मतलब अंदर बैठ के हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए जब तक धूप रहता है तब तक हम बाहर बैठ के ही पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। ओके, तो फिर मेरा रिवीजन हो चुका है बाकी 2 सब्जेक्ट का, अब हम जा रहे हैं लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करने। चैप्टर 2 का राइटिंग प्रैक्टिस अभी करेंगे हम, तो फिर चलो करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में जब हम अर्जुन छाबड़ा सर का मैराथन सीरीज प्रोवाइड किए, तो काफी सही रिस्पांस आया था और बहुत सारे लोग हमको कमेंट्स में भी थैंक यू बोल रहे थे कि इतना अच्छा टीचर सजेस्ट करने के लिए। तो हम भी बहुत खुश है कि आपको मेरा सजेशन इतना अच्छा लगा। तो उस वाले कमेंट में ही साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम मैसेजेस पे अक्सर ये कमेंट आता है कि दी, अर्जुन छाबड़ा सर का मैराथन सीरीज देख के कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो गया, पर दिक्कत आ रहा है कि लिखे कैसे, आखिर कितना पेजेस लिखे तो ICI हमें फुल मार्क्स दे दे, क्या क्वालिटी मैटर करता है या फिर क्वांटिटी? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास इस वीडियो में है। जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल्स लॉ में बहुत मायने रखता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड कर दिया है पर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग स्किल्स नहीं है, तो आपका चांसेस फेल होने का बढ़ जाता है। जैसे कि सब यहाँ पे जो भी CA फाउंडेशन के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने जस्ट क्लास 12th पास किया होता है, और क्लास 12th में हमें क्या सिखाया जाता है कि जितना मार्क्स उतना पेजेस भर दो। बट ICI क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे आप एक टॉपर का आंसर शीट देख सकते हो जिसने काफी शॉर्ट फॉर्म में फुल मार्क्स गेन कर लिया है, वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट जिसने की पेजेस भर दिया है बट स्टिल उसे फुल मार्क्स नहीं मिला। तो फिर आखिर ICI इतने शॉर्ट आंसर में फुल मार्क्स दिया कैसे? देखो, ICI मॉड्यूल्स में की पॉइंट्स बहुत मायने रखता है, और वो की पॉइंट्स ही ICI को मजबूर कर देता है मार्क्स देने पे। मतलब कि ICI को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना पेजेस भरा है, बट ICI तो हमेशा वो कीवर्ड्स खोजेगा जिसको कि आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है।
तो फिर आईसीआई को लेंदी या फिर शॉर्ट आंसर से मतलब नहीं है, आईसीआई को मतलब है तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर में विथ कीवर्ड्स। तो फिर आखिर टॉपर के जैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे लिखे और कैसे फुल मार्क्स गेन करे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना होगा। अब ये राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव होगा? तो फिर यार इसके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे अर्जुन छाबरा सर, द किंग ऑफ लॉ। और ये हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में यार पहले हमको भी बहुत दिक्कत आता था, फिर हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल स्क्रॉल किए पर कहीं पे भी हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हमको याद आता है कि यार मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट है सब तो अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल से बिल्ड हुआ है, तो क्या पता सर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी कोई ऐसा लेक्चर्स लाए हो। तो फिर थोड़ा खोजबीन करते हैं और हमको मिल जाता है यार कि सर राइटिंग प्रैक्टिस का भी लेक्चर्स लाए हैं। और ये सुन के ना मेरा खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि यार मतलब जिनसे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं उनसे राइटिंग प्रैक्टिस भी मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात। और फिर फटाफट से हम सर का राइटिंग प्रैक्टिस लेक्चर्स में इनरोल हो जाते हैं और सच बता रहे हम सारा लेक्चर्स एकदम क्या कहे एकदम बैठ के देखे अच्छे से। और इसीलिए तो आज हम तुमको जितना भी बता रहे हैं कि ये क्यू पॉइंट्स यूज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होना चाहिए, ये सब चीज जो भी है ना सब हम वही लेक्चर्स देखकर सीखे हैं, वरना हमको पहले तो जीरो नॉलेज था ये सब के बारे में। और हाँ पता है साथ ही साथ हम सर का ई बुक भी लिए थे बुलसाई, इसमें क्या है ना सर अपना सालों का एक्सपीरियंस से आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पता है ये सब क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाले एग्जाम के लिए। हम बुक के लिए भी बहुत दिन से खोज रहे थे कि यार कहीं अच्छा बुक मिल जाए, खैर हमको सब कुछ यहीं पे मिल गया। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि सर का लेक्चर्स देखने तो तुम लोग देख सकते हो, और साथ ही साथ अगर किसी को लेक्चर्स के साथ साथ ई बुक भी चाहिए बुलाई का तो वो भी अवेलेबल है। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। तो फिर फाइनली मेरा बिजनेस लॉ भी खत्म हो गया और आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। अब मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।